हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिसने देश के हित में काम किया और लोगों के मनोरंजन किया। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना पूरा जीवन त्याग दिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़े कुछ कहन कहे पलों के बारे में, उनसे जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि चार्ली चैपलिन अंग्रेजी हास्य कलाकार, फिल्म निर्माता और संगीतकार थे जो कि मौनी युग में प्रसिद्ध थे। मौनी युग वो था जब फिल्मों में आवाज नहीं होती हुआ करती थी, सिर्फ उन्हें देखा जा सकता था। ये 20वीं शताब्दी में बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे। चार्ली चैपलिन ट्रंप करके चलने का अभिनय करते थे जिसके लिए वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और फिल्म इंडस्ट्रीज के इतिहास में बहुत से महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक थे। आइए दोस्तों बताता चलूं इनका जन्म और स्थान। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। चार्ली चैपलिन ने बड़े पर्दे में आने से पहले बचपन में डांस करना शुरू कर दिया था। चार्ली चैपलिन का नाम रंग से राजा की कहानी से बढ़ना शुरू हुआ। चैपलिन के पिता प्रतिभाशाली गायक और अभिनेता थे और माता जाने माने लिली हार्ले नामक मंच में एक आकर्षक अभिनेत्री और गायिका थी जिन्होंने अपने काम से लाइट ओपेरा फील्ड में नाम कमाया। जी हाँ दोस्तों, चैपलिन की माता को कुछ दिमागी परेशानी की वजह से ये सब छोड़ना पड़ा और वे कुछ साल तक बस अपने परिवार की सहायक बनी, किंतु उन्होंने एक प्रदर्शन में अपने बेटे चार्ली चैपलिन को सभी से मिलवाया और बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रदर्शन के बीच में उन्होंने अपनी आवाज खो दी और प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने 5 साल के बेटे को अपनी जगह लेने के लिए कहा। चैपलिन जनता के सामने हास्य कलाकार के रूप में जाने जाने लगे, किंतु उनकी माता के लिए यह सब खत्म सा होने लगा था। उनकी आवाज कभी वापस नहीं आ सकती थी। उस समय चार्ली और उसके भाई ने स्वयं के लिए लंदन में ही एक घर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बताता चलूं चार्ली चैपलिन का कैरियर। तो दोस्तों सन 1897 में चैपलिन ने सोचा कि वे अपनी माता के कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके उनके व्यवसाय को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की किंतु उससे ज्यादा फायदा ना होने के कारण उन्हें सब छोड़ना पड़ा। चैपलिन ने बहुत सी छोटी छोटी नौकरियां भी की किंतु वे अपने अभिनेता बनने के लक्ष्य को कभी नहीं भूले। चार्ली ने 10 साल की उम्र के होने से पहले ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया क्योंकि उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई और माता बीमार रहने लगी थी, जिस वजह से चार्ली और उनके भाई के लिए जरूरी था कि वे स्वयं के लिए प्रबंध करें। जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें एक लेजिटिमेट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और शरलॉक होम्स में विलियम जिलेट के सहयोग में पेच वाय विल्ली के रूप में उपस्थित हुए। इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वेडे विल्ले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की, जिससे आखिरकार उन्हें सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स की फ्रेड कार्नोरेप पेयरटीरे कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। आइए दोस्तों बताता चलूं चार्ली चैपलिन का फिल्मी कैरियर। तो दोस्तों सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। सेनेट फिल्मी में दूसरे अभिनेताओं को खुद से अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह के चरित्र में काम करने का फैसला किया। तब ट्रंप करके चलने वाला छोटा बच्चा पैदा हुआ। जनता को उनका यह अभिनय बहुत पसंद आया। अगले एक साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। इनमें एक लाइनअप की टिलिस पंक्चर्ड रोमांस फिल्म भी शामिल है। फिल्म पूरी हास्य फिल्म थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद चैपलिन सन 1915 में साइनाइड कंपनी में काम करने लगे जहां उन्हें 1250 पर सप्ताह स्वीकार किए। इस कंपनी के साथ चैपलिन ने 14 फिल्में की।
चैपलिन के किरदार को प्रत्याशित नायक के रूप में स्थापित किया। जब वह किसान की बेटी को लुटेरों से बचाते हैं, आमतौर पर उनकी ये पहली क्लासिक फिल्म थी। 26 साल की उम्र में वह एक सुपरस्टार था और अपने वेडेल विल्ले दिनों से दूर हो गया। वे एक म्यूचुअल कंपनी में चले गए जहां उन्हें 6,70,000 पर साल भुगतान मिलता था। इन पैसों ने चैपलिन को अमीर आदमी बना दिया था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वह अपनी कलात्मक ड्राइव की पटरी से उतरने लगा है। म्यूचुअल कंपनी के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, जिनमें उन्होंने सन 1916 में बन एएम की दी रिंग दी वगाबोंड और सन 1917 में इजी स्ट्रीट फिल्मों की शुरुआत की। आइए दोस्तों आपको बताते चलूं चार्ली चैपलिन का असल जिंदगी में ड्रामा। तो दोस्तों चार्ली चैपलिन के असल जिंदगी में बहुत से ड्रामे हुए जिसके लिए वे प्रसिद्ध हो गए। उनके अपने साथ काम करने वाली बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ प्रेम संबंध थे। सन 1918 में चार्ली ने 16 साल की मिल्ड्रेड हैरिस के साथ शादी की। उनकी ये शादी 2 साल तक बस चली और उनका तलाक हो गया। फिर उन्होंने सन 1924 में दोबारा 16 साल की अभिनेत्री लीता ग्रे के साथ शादी की। इन्होंने चैपलिन के साथ फिल्म दी गोल्ड रस में काम किया और कुछ समय बाद वे गर्भवती हो गई, जिससे उनके 2 बेटे हुए। किंतु चैपलिन और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे और सन 1927 में उनका तलाक हो गया। आइए दोस्तों बताता चलूं इसी के साथ सन 1936 में चैपलिन ने फिर से शादी की। इस समय उन्होंने एक कोरस लड़की जो कि उनके साथ फिल्म पोलेटे गोदार्ड में थी, उनके साथ शादी की। सन 1942 में उनके एक और अभिनेत्री जोआन बैरी के साथ भी संबंध थे। हाँ जी दोस्तों बताता चलूं कि उनकी एक बेटी भी थी, किंतु एक परीक्षण के बाद पता चला कि वे चैपलिन की बेटी नहीं है, पर उन्हें उस बच्ची के समर्थ में भुगतान करने के आदेश दिए गए। सन 1943 में चैपलिन ने 18 साल की ऊना ओनील से शादी की। ये उनकी सफल शादी रही, इससे उनको 8 बच्चे हुए। जी हाँ दोस्तों आइए आपको बताता चलूं कि चार्ली चैपलिन की फिल्में। तो दोस्तों चैपलिन ने 1930 के दशक में बहुत ही रोचक और आकर्षक फिल्में की। सन 1931 में उनकी फिल्म सिटी लाइट आई। इस फिल्म से उनको व्यावसायिक सफलता मिली और इस फिल्म में उन्होंने अपना खुद का संगीत शामिल किया। सन 1936 के आधुनिक समय में इन्होंने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की स्थिति को समझ लिया। जी हाँ दोस्तों आपको बताता चलूं कि चार्ली चैपलिन के आखिरी साल। दोस्तों चार्ली चैपलिन 1972 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए जब उन्हें ऑनरेरी अकेडमिक अवार्ड दिया गया। चैपलिन की अंतिम फिल्म 5 साल की यात्रा के बाद सन 1967 में अकाउंटेंट्स फ्रॉम हांगकांग आई, जो कि उनकी पहली फिल्म निर्माता वाली और एकमात्र रंगीन फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों इसी के तहत आपको बताता चलूं चार्ली चैपलिन की मृत्यु। तो दोस्तों 25 दिसंबर सन 1977 की प्रातः स्विट्जरलैंड के कोर्सियर सुरबेबे में उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ऊना और अपने 7 बच्चों के साथ निधन के समय भी अपने बिस्तर पर ही थे। चैपलिन का पार्थिव शरीर चोरी हो गया और 2 आदमियों ने उसे स्विट्जरलैंड में एक जेनेवा झील के पास दफना दिया था। शरीर को वापस करने के लिए उन 2 आदमियों ने उनके परिवार से पैसे मांगे। उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 सप्ताह के बाद चैपलिन का शरीर पुनः प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ये थे इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें और दुखद घटनाएं जो इनके साथ घटी। तो दोस्तों आपको कैसे लगी स्टोरी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए।